देख सकते हैं गली में जा रहा हूँ, जीटी रोड में हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा है। पड़ो पड़ो पड़ो। पूरा फॉग हो गया है, देखिए गाइस कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। गाड़ी में जा रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं कैमरा में कोहरा ही कोहरा। गाइस पिछला वाला जो क्लिप देखो, एक जस्ट एंजॉयमेंट के लिए एक क्लिप दिया था। वो गाइस हम लोग जा रहे थे जब गलीफ में, तो जीटी रोड से जा रहे थे बाइक में। हम लोग का ट्रेन 4:52 में था सुबह को, तो हम लोग 4 बजे निकले थे। तो गाइस इतना फॉग हो गया था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, एकदम मतलब 3 बार एक्सीडेंट होते होते बच गया। खैर गाइस वो एक एंजॉयमेंट क्लिप था। तो अब जो है हम लोग गलीफ में आ चुके हैं। सो गाइस आज का वीडियो में मैं प्राइस लिस्ट तो बताऊंगा कैसा क्या प्राइस था, कैसा क्या प्राइस जा रहा है। देखिए हम लोग पूरा मार्केट को कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कोई बोल रहा है भाई वीडियो नहीं कर सकता है। पर गाइस आज का वीडियो में मैं डिटेल्स में जितना हो सके प्राइस बताऊंगा, उसके बाद कुछ रूल्स बताऊंगा गलीफ में जाने के लिए। और मैं ये कल विजिट किया था, मतलब कल जो तारीख था वो है 24 जनवरी 2021। ये डेट में क्या क्या प्राइस था, क्या फीसेस आया, सब कुछ दिखाऊंगा वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर भी नहीं होते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हम लोग पहले ये वाला मार्केट में गए थे, ये जो है राइट साइड में, मतलब प्लास्टिक में फिश लेके बैठ रहे थे। इसके पास लगभग मॉन्स्टर ही था, जैसे आप लोग देख पा रहे, चना था, फ्लावर हॉर्न है, सिल्वर अरवाना है, उसके बाद कुछ डिस्कस था, सिब्रम्स था, पैरट था। तो गाइस ये जो फ्लावर हॉर्न देख रहे हैं इसका प्राइस 5000 जा रहा था। सिल्वर अरवाना का प्राइस लगभग 700 से स्टार्टिंग था। उसके बाद पीकॉक बेस का प्राइस लगभग 450 to 500 स्टार्टिंग था। फेदर का प्राइस यहाँ पे 450 था। चना जो है, चना का कुछ एक वैरायटी है, मेरे को पर्टिकुलरली नहीं पता, उसका प्राइस आई थिंक 700 था। जियोफेगस भी 700 ही लगभग जा रहा था प्राइस। अभी थोड़ा कुछ कुछ दुकान में आप लोग को घूम के देखना होगा, इधर अगर कम मिलेगा तो इधर से खरीदेंगे, उधर मिलेगा तो उधर से खरीदेंगे। आरटीजी आया था, मतलब रेडटेल गोल्डन अरवाना आया था, वो सर्टिफिकेट के साथ 8500 रुपया था लगभग 4 to 5 inch। जैसा आप लोग देख पा रहे ये सब जो है प्लास्टिक में लेके ये सेलर बैठता है राइट साइड में। कहीं से और एक खुशखबरी देना चाहता, मेरा एक सब्सक्राइबर दोस्त भी गया था, उसके साथ भी मेरा मुलाकात हुआ फेस टू फेस, तो अच्छा लगा, ये सब मज़ा आया। छोटा फिश में अगर आओ तो छोटा फिश आप लोग नेक्स्ट क्लिप में देखिए। सो नेक्स्ट क्लिप की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस छोटा फिश में जो अभी इधर जेबरा देख पा रहे, जेबरा का प्राइस लगभग 20 to 30 rupees डजन था। उसके बाद गप्पीस का भी वैसा था, गप्पीस कुछ जगह में कम भी है, मॉलिस भी 4 to 5 rupees में मिल जा रहा था। जेबरा का बहुत सारा वैरायटीज आया था, टाइगर बर्ब जो है आई थिंक 15 to 20 rupees में डजन मिल जा रहा था। उसके बाद और भी ऐसा है, आप लोग देख पा रहे हैं देखिए कितना सारा वैरायटीज लाया है ये टाइगर बर्ब का। पहले आप लोग को कुछ रूल्स बता देता, अगर आप 2021 में गलीफ विजिट कर रहे, तो 2021 में कोरोना के लिए आप लोग को मास्क पहनना बहुत ही नेसेसरी है, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। बहुत सारा लोग जा रहे हैं, इसीलिए आपका सेफ्टी आपके हाथ में है, इसलिए डू वेयर मास्क बिफोर एंटरिंग गलीफ। गलीफ में जाने से पहले मास्क पहन लेना बहुत ही दरकार है। गलीफ में जाने से पहले आप लोग को एक चीज़ दिमाग में रखना है, वो है आपको बार्गेनिंग आना चाहिए। यू हैव टू नो हाउ टू बार्गेन विथ सेलर्स, नहीं तो आप लोग ही ठग जाएंगे। बार्गेनिंग के बिना गलीफ में नहीं टिक पाएंगे आप लोग। जैसे ये वाला शॉप में देख रहे हैं, इधर बेटास फुल भर्ती था, यह मिडिल में बैठा था रोड का, वेज एम बेटास बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, लगभग ये 120 या 130 rupees ऐसा था, शायद ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा कम भी पड़ जाएगा। उसके बाद गोल्ड फिशेस का कुछ वैरायटी था, एप्पल स्नेल्स, गप्पीस उधर 2 से 3 rupees में स्टार्टिंग था, एप्पल स्नेल 10 rupees करके, गोल्ड फिश जो है छोटा गोल्ड फिश 2-3 rupees से स्टार्टिंग था। उसके बाद रुई किंग्स वगैरह और भी है, इम्पोर्टेड जो है 600-1200 rupees पेयर में चल जा रहा था। क्लेरियस कैटफिश छोटा जो है वो 80 rupees स्टार्टिंग था, एप्पल स्नेल तो बोल दिया 10 rupees था, मिल्की कार्प जो है वो भी 7-8 rupees का में स्टार्टिंग था। सो गाइस मैं जो बोला आप लोग को बार्गेनिंग करना आना चाहिए, आप लोग अगर सेलर है या फिर हॉबीस्टी हो जाए, आप लोग ह्यूज क्वांटिटी में ले रहे हैं, अगर आपको सेम प्राइस मिल रहा है तो आपको बार्गेनिंग करना है, नहीं तो उस स्टोर से नहीं लेना है। जैसे बेटा का इधर क्वालिटी देख सकते हैं, बेटा भी ले रहा है ज़्यादा में, तो आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। इधर जो है अल्बिनो मागुर था, जिसका प्राइस लगभग 12-13 rupees पीस था। इसके साथ छोटा छोटा कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या है। खैर गाइस आप लोग को अगर पता है तो बोल सकते हैं, इधर भी टाइगर बार्ब था, ये 12-13 rupees, शायद 12-13 तो नहीं होगा, 15-16 rupees ऐसा करके डजन था। टाइगर बार्ब देखिए उतना कोई नहीं पालता है, पर फिर भी आप लोग का कहीं इंटरेस्टेड है पाल सकते हैं। इधर मिक्स चिगलेट है, मिक्स चिगलेट भी
आप लोग ले सकते हैं, ये शायद 15 से 16 रुपये ऐसे पीस था। और गाइस आप लोग जब जाएंगे आप लोग देखिए बहुत कोई वीडियो नहीं करने देता है, सो गाइस बेटर वीडियो ना कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा, कोई कोई करने देता है, आप लोग ये सब सेलर से कर सकते हैं। नियॉन टेट्रा जो प्राइस जा रहा है बहुत कोई पालना चाहता है, नियॉन टेट्रा का 15-16 रुपये पीस ऐसे जा रहा था। ब्लैक मूड बोले तो ब्लैक मूड नॉर्मल जो है 12-13 रुपया, एंजल बोले तो एंजल शायद 20-25 रुपया पेयर ऐसे करके चला जा रहा था। आपको मेनली जो बात है पूरा स्टोर आपको घूमना होगा, उसके बाद लेना होगा, उसके बाद आपको बार्गेनिंग करना होगा। बार्गेनिंग अगर नहीं करेंगे आप लोग ही ठग जाएंगे, इसलिए बेटर बार्गेनिंग सीख जाए। ये जो सेलर है ये बिमोल भैया के, बिमोल दा जो होता है उसके पहले बैठता है। इधर पफर वगैरह है, इंडियन नाइफ फिश, इंडियन नाइफ फिश 120 रुपीज़ पेयर में मिल रहा था। पफर जो है लगभग 400-500 पेयर में मिल रहा था। प्लेको जो है 10-15 रुपये ऐसे करके पीस मिल रहा था। कार्ब्स वगैरह कुछ है, लॉबस्टर्स है, लॉबस्टर्स मैं एक लिया हूँ, और क्या फिश लिया वो तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस वीडियो में जस्ट मैं ऐसे डिटेल्स बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स ये सब प्राइस जाता है फिशेस का, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही प्राइस है। आप लोग जाएंगे भाई बोलेंगे ये वीडियो देख के आए हो तो ये प्राइस बोला, ऐसा नहीं है, हर एक सेलर का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, जो लोग देखिए खुद का स्टोर है उन लोग का प्राइस डिफरेंट होगा, जो लोग सपोज कोई होलसेलर से खरीद के गलीफ में बैठ गया उन लोग का प्राइस अलग है। क्यों? क्योंकि जो लोग रियल सेलर्स हैं उन लोग को करंट बिल भरना पड़ता है, उसके बाद स्टोर में और प्राइस है जैसे ऑक्सीजन चलाना पड़ता है, वो सब का बिल आता है अलग से, लाइट फैन का बिल आता है, इसलिए उन लोग थोड़ा प्राइस हाई होता है। तो उन लोग के साथ कोऑपरेट कीजिए, और जो नॉर्मल देखिए जो सेलर बैठ जाता है ऐसे किसी होलसेलर से खरीद लिया उसके बाद आके गलीफ में बैठ गया, सो गाइस उन लोग का प्राइस थोड़ा कम होता है, इसीलिए उन लोग से कंपेयर ना कीजिए कि उसका दुकान में ज़्यादा इसका दुकान में कम। अगर आपका प्राइस में नहीं आ रहा है तो मत लीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। ये देखिए ये बिमलदा का स्टोर है, जैसे देख सकते इधर लॉबस्टर्स वगैरह लाए, लॉबस्टर का 140 या 150 रुपीज़ ऐसा होलसेल प्राइस में था। गोल्ड फिश जो है 12-13 रुपया ऐसे मिल रहा था। उसके बाद मर्स कीपर से 150-200 रुपीज़, हर्मिट क्रैब है, हर्मिट क्रैब भी लगभग 200 रुपीज़ में मिल रहा था, पाई जो होलसेल दाम है वो अलग होगा। पफर फिश भी है बड़ा वाला, तो पफर भी 400-500 पेयर ऐसे में मिल रहा था। सो गाइस मैं मैक्सिमम जो है प्राइस लिस्ट बता चुका, और कुछ अगर नया फिश देखूंगा तो मैं प्राइस लिख दूंगा। और गाइस अभी जो है पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ, इसलिए वीडियो के एंड तक देखना, मैं अभी और कुछ बोलूंगा नहीं, जितना बोलना है बोलिए। और इतना बोलना चाहता हूँ, डॉग्स जो स्टोर है डॉग का स्टोर मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सेलर लोग करने नहीं दे रहा था, ये उन लोग का पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। बर्ड्स का थोड़ा बहुत किया, पिजियंस का। सो गाइस आप लोग देखिए तो वीडियो को अभी कंटिन्यू देखिए, और ज़्यादा बचा भी नहीं है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर अभी भी वीडियो को देखिए, मेरा बात ये खत्म होता है। और कुछ अगर प्राइस लिस्ट जानना है तो मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं।
सो गाइस वीडियो से जाने से पहले मैं इतना बोलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं कालीघाट में एक एक्वेरियम शॉप विजिट किया था जहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट में मिल रहा था फिशेस। तो गाइस उसका एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। तो गाइस आज का वीडियो यही तक ही था, यही था मेरा विजिट। अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर ऐसा वीडियोस और भी देखना चाहते हो। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।